थैंक यू सो मच मैम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे आर एज ए कॉम्प्लीट ऑर्डर फील्ड 3.3 से। पिछली वीडियो हमने E13 तक E12 तक किए थे, तो यहाँ पर पहली जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक ऑर्डर कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑर्डर कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यू हैव सीन दैट एवरी सबसेट ऑफ एन कॉन्टेन एटलीस्ट एलिमेंट। ठीक है, एन जो है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से इन्फिनिट तक जाता है। बट द जेड देयर आर सबसेट्स दैट डू नॉट हैव लीस्ट एलिमेंट। मतलब यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से वो प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, वहां पर लिस्ट कोई एलिमेंट नहीं है, तो जेड इवन का क्या हो जाएगा? -4, -2, 0, 2, 4, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक आएगा माइनस का, और ये प्लस का इन्फिनिटी है। सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स हैव नो लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से कोई भी इसका लिस्ट एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिस्ट एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? जो भी सेट का लिस्ट एलिमेंट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? लोअर बाउंड। ठीक है, लिस्ट एलिमेंट को लोअर बाउंड, या फिर मतलब उस सेट को हम क्या बोलते हैं कि बाउंडेड बिलो सेट है। ठीक है, लेट फाई नॉट इक्वल्स टू एस, मतलब एस नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ऑफ आर। ठीक है, ए नंबर एल बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड ए लोअर बाउंड ऑफ एस अगर यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट से छोटा और इक्वल हो जाए यहाँ पर एल। ठीक है, एस का कोई भी एक एलिमेंट से छोटा और इक्वल हो जाए, मान लीजिए हम एस को एन नेचर नंबर मानते हैं, तो छोटा और इक्वल एलिमेंट कहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। तो वन को हम क्या बोलेंगे? इसका लोअर बाउंड। और एन सेट को हम क्या बताएंगे कि बाउंडेड बिलो सेट है। ठीक है, मतलब सबसे छोटा एलिमेंट को क्या बताएंगे? लोअर बाउंड। एंड उस सेट को हम क्या बताएंगे? बाउंडेड बिलो। जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है उसको हम बाउंडेड बिलो सेट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए थ्योरम 5। यहाँ पर लेट एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जेड, जेड मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, एंड एस बाउंडेड बिलो। ठीक है, मतलब एस सेट का मिनिमम जो एलिमेंट है या फिर लीस्ट एलिमेंट है वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। देन मिनिमम एस एग्जिस्ट। हाँ, बाउंडेड बिलो तो मिनिमम एस तो एग्जिस्ट होगा ही, क्योंकि मतलब लीस्ट एलिमेंट जो है वो अगर एग्जिस्ट हो जाए तभी तो हम बाउंडेड बिलो कहते हैं, और लीस्ट एलिमेंट को ही क्या कहते हैं? मिनिमम ऑफ एस। ठीक है, नाउ हम यहाँ पर मानते लेट करते हैं द सेट ऑफ क्यू, क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर? ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिलेगा, बिकॉज इफ आर इज पॉजिटिव रैशनल नंबर देन यहाँ पर आर बाई टू ऑल्सो ए पॉजिटिव रैशनल नंबर स्मॉलर देन आर। कोई भी एक रैशनल नंबर लीजिए, उससे बाई टू कीजिए, आपको और एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी मतलब इनफाइनाइट सेट ही है, तो उसका भी कोई लीस्ट एलिमेंट नहीं मिल रहा है। अभी हम क्या किसके बारे में जानेंगे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अगर लोअर बाउंड हो गया तो वहां पर हम क्या लेंगे? सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड है उसको लेंगे, और उसको हम क्या बताएंगे? इनफिमम। ठीक है, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस इज कॉल्ड इनफिमम ऑफ एस। ठीक है, इसको हम लिखते हैं INFS, याद रहेगा इनफिमम ऑफ एस। यहाँ पर L1, L2, L3 ऐसा बहुत सारे होंगे, तो L1 लेस और इक्वल्स टू L2, L2 लेस और इक्वल्स टू L1, तो ये हो जाए तो L1 इक्वल्स टू L2 हो जाएगा। Example 7 देखिए, इनफिमम S हमें निकालना है जहाँ पर S गिवन है P बाई Q, जहाँ पर P की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 10 है, मतलब इस साइड में है, और Q की वैल्यू लेस और इक्वल्स टू 8 है, मतलब इस साइड में है। मान लीजिए ये 8 है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इनफिमम निकालना है। तो P by Q belongs to S है, तो Q less or equals to 8 है, तो ये implies that 1 by Q ये greater equals to 1 by 8, hence P by Q greater equals to 10 by 8, मतलब P की वैल्यू 10 से क्या हो जाएगा? ज्यादा ही होगा, तो 10 by 8 equals to 5 by 4, तो ये हो जाएगा इसके लोएस्ट वैल्यू। ठीक है,
दास यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ एस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/4, दिस मीन्स 5/4 इज लोअर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। तो एंड दिस मीन्स 5/4 इज ग्रेटर देन एवरी अदर लोअर बाउंड ऑफ एस इन फिमम ऑफ एस इक्वल्स टू 5/4, ठीक है। और उसके बाद देखिए, दे आर सबसेट्स ऑफ क्यू व्हिच आर नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड बिलो बट डू नॉट हैव द इनफिमा इन क्यू, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं, नेचुरल एग्जांपल कम्स फ्रॉम रूट टू, यहाँ पर क्यू का जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पर सबसेट है वो नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड बिलो हो जाए फिर भी उसका इनफिमा नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी ऑफ आर, let s non-empty subset of r and s bounded below then infimum s exist in r, ठीक है। s अगर non-empty subset of r हो जाए and वो bounded below हो जाए then उसका infimum जो है exist करेगा, ठीक है। a union b equals to q, यहाँ पर बोल रहे हैं one such ये figure जो दिया गया है, यहाँ से we can find a pair AB non-empty subset of rational number A union B equals to Q, A intersection B equals to 5. यहाँ पर बोल रहे every element of A is smaller than every element of B, यहाँ पर जो भी दिया गया था figure 4 में यहाँ पर, और has no minimum element and B has no minimum element. उसके बाद देखिए अपर बाउंड का डेफिनेशन सेम वैसा ही जैसा है हमने लोअर बाउंड का किया, ठीक है। लेट एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ए नंबर यू बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड ए अपर बाउंड ऑफ एस इफ यू ग्रेटर इक्वल्स टू एक्स, मतलब वहां पर सबसे बड़ा जो एलिमेंट हो जाएगा उस एलिमेंट को हम क्या बताएंगे अपर बाउंड, और सबसे बड़ा एलिमेंट जिस सेट का मिलेगा उस सेट को हम क्या बताएंगे बाउंडेड अबव, ठीक है। कोई सेट अगर बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो दोनों हो जाए तो उस सेट को हम क्या कहते हैं बाउंडेड कहते हैं। द सेट एस सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बोथ बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव, ठीक है। बाउंडेड अबव भी हो गया बाउंडेड बिलो भी हो गया देन उसको हम क्या बताएंगे बाउंडेड बताएंगे। उसके बाद डेफिनेशन देखिए, लेट यहाँ पर सुप्रीमम का, ठीक है, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम, इन जैसा इनफिमम वैसा ही सुप्रीमम। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम क्या कहते हैं इनफिमम एंड लीस्ट अपर बाउंड को कहते हैं सुप्रीमम। लेट फाइ, यहाँ पर एस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ए नंबर यू बिलोंग्स टू आर, इसको लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं, जो लीस्ट अपर बाउंड है वो सुप्रीमम है। क्या है कि यू इज एन अपर बाउंड ऑफ एस एंड यू लेस और इक्वल्स टू वी फॉर ऑल अपर बाउंड वी ऑफ एस, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 8, फाइंड द सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल्स टू एन प्लस 1/n, जहाँ पर एन बिलोंग्स टू कैपिटल, तो n प्लस 1/n दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा n बाई एन प्लस 1/n, तो मतलब 1 प्लस 1/n, 1/n की सबसे वैल्यू, n की सबसे वैल्यू क्या, बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है इन्फिनिटी हो सकती, ठीक है। तो मतलब इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर जितने छोटी वैल्यूज देंगे ये वैल्यूज मतलब 1/ एन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, और एन की वैल्यू जितना हम ज्यादा देंगे 1/n की वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगा जब एन की वैल्यू 1 हो, तो 1/1 मतलब 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 1/1 मतलब 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 2, मतलब ये इसका सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हो सकता है 2, तो इसलिए यहाँ पर लेस और इक्वल्स टू 2 दिया गया है, ठीक है। तो सो यू 2 इज अपर बाउंड ऑफ एस, अपर बाउंड मिल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सुप्रीमम एस इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थ्योरम 6, थ्योरम 5 के जैसा ही, तो अगर कोई सेट एस बाउंडेड अबव है देन उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, वहां पर क्या था कोई सेट एस अगर बाउंडेड बिलो है देन उसका इनफिमम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद थ्योरम 7, थ्योरम 7 क्या है, लेट एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एंड लेट एल बी ए लोअर बाउंड एंड यू बी अपर बाउंड ऑफ एस, देन एल इक्वल्स टू इनफिमम आई एन एफ होता है, ठीक है। इनफिमम एस इफ एंड ओनली फॉर एवरी एफ साइलेंट ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटा सा नंबर होता है जो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। यू इक्वल्स टू सुप्रीमम एस, जहाँ पर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होता है यू माइनस यहाँ पर एप्सिलॉन से। तो प्रूफ,
कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही छोटा सा है ना, देख लीजिए। लेट एल इक्वल्स टू इन्फिमस, इफ पॉसिबल एज्यूम दैट द स्टेटमेंट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो दे आर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू एस, सच दैट यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पर एल क्या हो रहा है, इन्फिमम हो रहा है, इज फॉल्स। दिस मीन्स फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो नो एलिमेंट ऑफ एस इज स्मॉलर देन एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, एल प्लस एप्सिलॉन से कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं है, दैट इज एल प्लस एप्सिलॉन को हम क्या बताएंगे, लोअर बाउंड। तो एल प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एल, तो एल कैन नॉट बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इसका कॉन्वर्स हम प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए एल इक्वल्स टू इन्फिमम एस हमें क्या शो करना है कि एनी लोअर बाउंड हम ले एल रेस्ट ऑफ एस, तो एल रेस्ट लेस और इक्वल्स टू एल, तो एल प्लस एप्सिलॉन ही एल ही हो जाएगा इसका इन्फिमम। तो देखिए इन्फिमम दिखा दिए, नॉट इम्पॉर्टेंट, फिर भी समझना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं समझा दूंगी। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 9, फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ एस इक्वल्स टू 1 प्लस -1 पावर n/n, यहाँ पर n बिलोंग्स टू कैपिटल n, तो इसका सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए -1 पावर n डिवाइडेड बाई n, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है कि उसकी वैल्यू हमेशा लेस और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू अगर मान लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा, अगर 2 लेंगे तो ये प्लस का आएगा, तो इसका वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है, तो इसीलिए -1 का स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 प्लस 1 बाई 2 मतलब 3/2, इसका वैल्यू 3/2 से हमेशा छोटा होगा, तो 3/2 इसका अपर बाउंड हो जाएगा, और कौन सी वैल्यू से ये हमेशा छोटा हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/∞ मतलब 0, तो यहाँ पर 1 प्लस 0 कर सकते हैं, अच्छा एन एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में तो यह हम नहीं यहाँ पर दिखा सकते, अगर माइनस आ गया तो 1 -1 0 होगा, अगर प्लस आ गया तो 1 होगा, ठीक है, तो सबसे कम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, तो इन्फिमम 0 हो जाएगा, तो इन 0 हो जाएगा इन्फिमम, और यहाँ पर और सुप्रीमम हो जाएगा 3/2, मतलब इसका वैल्यू सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, सबसे कम क्या हो सकता है, ये देखना है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से अप टू इन्फिनिटी, तो 1 पुट करेंगे तो एन नीचे है, 1 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू सबसे बड़ा हो जाएगा, मतलब सबसे छोटी वैल्यू पुट करेंगे सबसे बड़ा हो जाएगा, और इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका वैल्यू सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि 1 अगर पुट करेंगे तो -1 पावर 1 हो जाएगी, तो फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इवन नंबर लेना है, तो उसके बाद का जो इवन नंबर है वो हमें लिया है, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम्पल 10 देखिए, एग्जाम्पल 10 क्या है, फॉर ए गिवन नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर एंड ए बिलोंग्स टू आर, डिफाइंड ए सेट ए प्लस एस दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्स, इफ एस इज बाउंडेड बिलो देन इन्फिमम ऑफ ए प्लस एस दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस इन्फिमम ऑफ एस, ठीक है, तो हम लेट कर रहे हैं एल इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ एस, इन्फिमम ऑफ एस मान रहे हैं एल है, तो इसका मतलब एल कोई भी एनी एलिमेंट एक्स से छोटा हो जाएगा, तो एस एल जो है लेस और इक्वल्स टू एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, दैट इम्प्लाई ए प्लस एल लेस और इक्वल्स टू ए प्लस एक्स, दोनों के साथ क्या किया ए को प्लस, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, हेंस ए प्लस एल इज लोअर बाउंड ऑफ ए प्लस एस, नाउ लेट एल डैश्ड बी अनदर लोअर बाउंड ऑफ ए प्लस एस, हम ये लेट कर रहे हैं क्योंकि हमें एल को ही इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाना है, ठीक है, तो एल डैश्ड लेस और इक्वल्स टू ए प्लस एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, दैट इम्प्लाई एल डैश्ड माइनस एल लेस और इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एल डैश माइनस ए इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, हेंस एल डैश माइनस ए ये लेस देन एल हो जाएगा, तो एल डैश लेस देन ए प्लस एल हो जाएगा, तो ये क्या शो कर रहा है, इन्फिमम ऑफ ए प्लस एल एस दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस एल, एल डैश क्या हो रहा है, इन्फिमम हो रहा है इस मतलब ए प्लस एस का, तो इसलिए ए प्लस एल हो गया, ए प्लस इन्फिमम ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद E13 से
हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।